जब किसी का उत्पीड़न तुम्हारे उत्सव का कारण बन जाएगा और प्रेम की परिभाषा में भी युद्ध लिखा जाएगा, तब क्या नफरत से तुम्हारा मन भर जाएगा? मुझे याद आ गया, पिछले जो प्रोटेस्ट हो रहे थे हम वहाँ पे थे, कविताएं सुना रहे थे, तो बहुत चीज़ें देखी और कुछ याद आ गया। तो उससे शुरू करेंगे, जो नफ़रतें फैला रहे हैं ये भूल जाते हैं कि एक वक्त के बाद आम इंसान का नफ़रत से मन भर जाता है। और इन दंगों में हमने देखा कि लोगों का नफ़रत से मन भर चुका है, वो एक दूसरे को बचा रहे हैं। ये कविता हम सिर्फ प्रोटेस्ट में सुनाते थे, आप लोग सुनने वाले हैं तो हम आप लोगों की कि कब नफरत से मन भर जाता है, और ये जो नफरतें फैला रहे हैं इनका भी नफरत से मन भरेगा, कब भरे? जब मन की घृणा आंखों में दिखना शुरू हो जाएगी, जब अभी के जन्मे बच्चे की किलकारी भी श्रापित नजर आएगी, जब मृत्यु देख सुकून प्राप्त होगा और धर्म में नफरत को गर्व लिखा जाएगा, जब किसी का उत्पीड़न तुम्हारे उत्सव का कारण बन जाएगा और प्रेम की परिभाषा में भी युद्ध लिखा जाएगा, तब क्या नफरत से तुम्हारा मन भर जाएगा? जब दमन को अमन का सारथी समझा जाएगा, जब हिंसा मजबूरी नहीं आदत बन जाएगी, जब गांधी की लाठी पर गोडसे की बंदूक हावी पड़ जाएगी और इंसाफ की अंधी देवी का कत्ल करने हर रोज एक नई भीड़ आएगी, जब मजहब तो रह जाएगा पर ईमान खत्म हो जाएगा, तब क्या नफरत से तुम्हारा मन भर जाएगा? अब आखिरी, शायद इसके लिए बहुत गालियां पड़े, पर जब लाठी मुझ पर तो ठीक पर माँ बेटियों पर उठाई जाएगी, जब हिंसा मन में तो ठीक पर संविधान में लिख दी जाएगी, जब हिंदुत्व तो जब शरिया तो आ जाएगा पर हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, तब क्या नफरत से तुम्हारा मन भर जाएगा? बहुत शुक्रिया।